तो प्यारे बच्चों देखो, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो बेटा कोई आपकी ये बॉल है या हमने किसी हाई स्ट्रेस एमईएफ ग्राउंड है और हमने बेटा क्या करा, इस पॉइंट से इस बॉल को हमने ड्रॉप करा। बेटा हमने क्या करा, इसको ड्रॉप करा। और जो हाइट है आपकी इस बिल्डिंग की टॉप से और ग्राउंड की, आपकी हाइट ऑफ गिवन है 20 मीटर्स, मतलब आपको जो है एच इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, if the velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square, हमको क्या दिया है, हमको दिया है c की वैल्यू बेटा कितनी है 10 meter per second square। ठीक है, what was velocity will be strike the ground। तो बेटा हमको क्या निकालना है, हमको b की वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, कि जब आपकी जो बॉल है ना, जब वो आपकी ग्राउंड को टच करेगी, इसको स्ट्राइक करेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों जरा एक चीज बताओ, जब आपकी बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो रेस्ट में होगी ना। तो डैट केस में बेटा 1 मिली वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बेटा क्या होगी, आपकी जीरो होगी। अब हमें क्या निकालना है इसमें, आपका हमको टाइम भी निकालना है, हमको टी भी निकालना, हमको भी निकालना है साथ में, आपको टी निकालना है कि मतलब इस बॉल को यहाँ तक पहुँचने में कितना उसको टाइम लगा और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इससे पहले हम लोग, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं है ना, तो वी स्क्वायर तो हमको फाइंड करना है गया और वी स्क्वायर हो गया। यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी, बेटा यू की वैल्यू है 0/2, मतलब 0/2। ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ट्रेस्ट में। अब जब यहाँ पर पूछ रहते हैं 2 × बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कितने बेटा आपकी है 10, ये आपकी है 10 × बताओ व्हाट इज हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, आपकी है 20। बेटा कितनी है 20, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना बेटा आ जाएगा 400। तो बी सी वैल्यू बताओ क्या आ गया आपकी √400 जी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा हमारी क्या निकल गई, वेलोसिटी निकल गई कि जिस वेलोसिटी से हमारा ये जो बॉल है आपकी ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब हमको निकालना है टी, तो टी निकालने की कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा हम, बिल्कुल सही बोला आपने, वी फर टू यू प्लस ए टी। बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू हमने फाइंड किए हैं कितना बड़े नहीं, इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ यू, यू की वैल्यू बेटा कितनी निकालनी, जीरो। प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू हमारे पे 10 है। और देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, टी हमको फाइंड करना है, टी हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके बेटा क्या है ना, 20 इज इक्वल टू 10 टी, 10 यहाँ जाएगा तो 20 अमाउंट 10 इक्वल टू क्या जाएगा टी, या लेट्स सी इज प्रिंसिपल पे क्या जाएगा आपका 2 seconds। ये बेटा जहाँ से आपका टाइम आ गया कि जिस आफ्टर 2 seconds ये बॉल बेटा क्या करेगी, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो उसको आप नोट कर दीजिए।